शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज समझते हैं दैनिक राशिफल 1 सितंबर 2023 कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और सबसे पहले हम बात करेंगे पंचांग के बारे में। देखिए, कल कृष्ण पक्ष की द्वितीया रहेगी और भादो मास प्रारंभ हो गया है, इसलिए और जो चंद्रमा रहेगा वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं, जो कि 2:56 दोपहर तक रहेंगे। इसके बाद ये इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ये पहुंच जाएंगे। अगर आपको याद हो तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी जो होता है देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जबकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु शनिदेव बन जाते हैं, यानी शनिदेव की राशि में नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा कुंभ के उपरांत मीन राशि पर भी संचरित करने वाला है। तो आइए हम समझते हैं मेष लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आज आपके मन में संतान की शिक्षा से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं, किसी लेन देन की समस्या यानी ट्रांजेक्शन, और वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में किसी प्रकार की जो समस्याएं थी वो सुलझ सकती हैं। धार्मिक क्षेत्र की यात्राओं के लिए धन खर्च करना कल के दिन पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में अवरोध समाप्त हो जाएगा और प्रिय वस्तुओं की चोरी होने की भी संभावना है, इसलिए अपने सामानों की आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कल के दिन मेष लग्न वाले जातकों के लिए। नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करना होगा और कुल मिलाकर कहा जाए तो 74% तक का दिन आपके लिए अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 1 आ रहा है और जो शुभ रंग है वो गुलाबी बन रहा है। उपाय के लिए माता सरस्वती की अगर आप कल आराधना करते हैं तो अति उत्तम रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अगले लग्न का, यानी वृषभ लग्न वाले जातकों पर कल कैसा दिन बीतेगा। देखिए, वृषभ लग्न वाले जातकों की बात करें तो दिन मिश्रित होने वाला है। संपत्ति प्राप्ति की अभिलाषा जो है वो आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन कोई कानूनी कार्य समस्याएं जो हैं कानूनी रूप से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। समझदारी अगर आप दिखाएंगे तो निश्चित रूप से लीगल मामलों में भी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। विपरीत समाचार सुनने पर अकस्मात यात्राओं की संभावना भी मैं देख पा रहा हूँ। अपने शत्रुओं को आप परास्त करने में एटलीस्ट आप सफल रहेंगे और विद्यार्थी वर्गों को परीक्षा में अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा कल के दिन, और उसी के बाद आपको सफलता मिलेगी। अगर कुल मिलाकर देखूं तो 80% तक का दिन फिर भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का जो शुभ रंग आ रहा है वो भूरा आ रहा है और जो शुभ अंक है वो 7 आ रहा है। उपाय के लिए बजरंग बाण का अगर आप पाठ कल करते हैं तो आपके लिए बेहद ही अच्छा परिणाम रहने वाला है। अब हम मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से दिन उत्तम रहने वाला है और रोजगार जो लोग खोज रहे हैं उनको अपना मनपसंद कार्य कल के दिन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आर्थिक समस्याएं जो है सुलझ सकती हैं। आपके घर में किसी व्यक्ति का आगमन कल के दिन हो सकता है। सायंकाल में अपने परिवार में तनाव या लड़ाई झगड़े की स्थिति को रोकने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति आएगा उसके कारण कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को मीठी वाड़ी का प्रयोग कल के दिन करना चाहिए, इसी के बाद आप काम निकालने में सफल रहिएगा।
कुल मिलाकर कहा जाए तो 81% तक का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का जो शुभ रंग आ रहा है वो ग्रे कलर आ रहा है और जो शुभ अंक है वो 5 आ रहा है। उपाय के लिए शिव मंदिर जाकर शिव जी की अगर आप आराधना करते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए आज प्रशासनिक सेवाओं से सत्ता में लाभ होने की संभावना दिख रही है। ससुराल पक्ष से भी पर्याप्त मात्रा में धन मिलता हुआ दिख रहा है जिसके कारण आप प्रसन्न हो सकते हैं कल के दिन। सायंकाल में कहा जाए तो यानी संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में किसी प्रकार के कल्चरल कार्यक्रम में पार्टिसिपेट लेने का मौका भी आपको मिल सकता है। कुछ विरोधी भी आपकी प्रशंसा कल करते हुए दिखाई देंगे लेकिन अंधविश्वास से बचना होगा। विरोधी हमेशा विरोधी ही होते हैं। किसी डील की पूर्ति होने का मौका भी कल मिल सकता है और माताजी के द्वारा आपको कुछ जिम्मेदारियां जो है आपको एक्स्ट्रा बर्डन जो रहेगा वो सौंपने का योग बन रहा है जिन्हें आपको पूरा करना भी होगा। कल कुल मिलाकर कहा जाए तो 78% तक का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ रंग मैरून है और शुभ अंक जो आता है वो 9 नंबर का आ रहा है। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। देखिए आज के दिन स्वास्थ्य में कुछ व्यवधान की संभावना निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। यात्राओं के योग बन रहे हैं और यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के परिवर्तन करने से लाभ की प्राप्ति होगी और परिवार के किसी सदस्य को जहां पर ये नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वहां पर कोई एक नया पद भी मिल सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को भी नया पदभार मिलने की संभावना मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है। आपको अपने भाइयों के साथ चल रहे हैं जो भी विरोधाभास थे हैं उसको समाप्त कर लेना चाहिए और समाप्त होने के लिए कल अच्छे योग भी बन रहे हैं। जो आपके घर में बड़े हैं उनसे उपहार मिलने की संभावना भी आपको दिख रही है और साथ में प्रेम जीवन में विवाह का संकेत हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 79% तक फिर भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और कल का शुभ रंग जो है वो आसमानी कलर आ रहा है और जो शुभ अंक है वो 7 अंक आ रहा है। उपाय के लिए शनि मंदिर में जाकर अगर शनि देव के थोड़ा दर्शन कर लेते हैं तो बेहद ही अच्छा कल का दिन रहने वाला है। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए आज लंबे समय से चल रही ट्रांजैक्शंस की जो प्रक्रिया है यानी वित्तीय लेन देन की जो प्रक्रिया है उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होगी जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कल ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। यात्रा के भी मौके कल आपको मिलेंगे और परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव से खुशियां जो है बढ़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनके लिए विदेश में शिक्षा अगर चाहते हैं करना तो उसके लिए कल एक अच्छा अवसर बन रहा है। किसी को धन उधार देने से पहले घर के जो वरिष्ठ लोग हैं बड़े लोग हैं उनकी अवश्य सलाह ले लेना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 83% तक अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का शुभ रंग जो है ऑरेंज कलर आ रहा है और जो शुभ अंक है वो 7 अंक आ रहा है। उपाय के लिए गणेश जी को कल के दिन मीठा फल अर्पित करना चाहिए। अगले लग्न की बात करते हैं तुला लग्न। देखिए आज के दिन कुछ खर्च अत्यधिक हो सकते हैं लेकिन मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। रोजगार खोजने वाले लोगों को कुछ शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं और संतान पक्ष से संतोषजनक बातें सुनने को मिलेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से बातचीत में समझदारी से आपको काम लेना चाहिए। बेवजह लड़ाई झगड़े के योग भी बन रहे हैं।
नए प्रकार के व्यापारिक योजनाओं की सलाह के लिए सतर्क रहें। गलत सलाह से बिल्कुल बच कर रहिएगा। कुल मिलाकर 75% तक का समय आपके फेवर में है। कल का शुभ रंग हरा बन रहा है और शुभ अंक जो है वो 7 बन रहा है। उपाय के लिए दुर्गा सप्तशती का अगर आप कल पाठ करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा समय रहने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे, वृश्चिक लग्न। देखिए, आज का दिन आपके लिए आमदनी के स्रोत को बढ़ाने वाला दिन है। सामाजिक क्षेत्र में आपको सम्मान और सौम्यता दोनों ही मिलता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी वर्गों को सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है और जो लोग भी नया प्रकार का व्यवसाय कल के दिन स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कल का दिन अच्छा है, लेकिन सावधानी बरतिएगा। और आपके जो नए शत्रु हैं, आपके तरक्की होने से बढ़ने के कारण जो है नए शत्रु भी हो बढ़ सकते हैं। पिताजी के आंखों से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है जिसमें आपको सहयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 84% तक अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कल का जो शुभ रंग आ रहा है वो श्वेत यानी वाइट आ रहा है और शुभ अंक 7 आ रहा है। उपाय के लिए गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंगसा गुरुवे नमः का आपको जाप करना चाहिए। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, आज का दिन आपके लिए अगर संपत्ति से बात किया जाए तो संपत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अति उत्तम रहने वाला है। मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी और संतान के दायित्व की पूर्ति करने से आपका मन जो रहेगा प्रसन्न रहेगा। विदेशों से व्यापार करने वालों को शुभ समाचार एटलीस्ट कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। सायंकाल से रात्रि तक प्रिय व्यक्तियों से मिलने का आपको मौका कल जरूर मिलने वाला है। लंबे समय से चल रही किसी प्रकार के बिजनेस की जो समस्याएं हैं वो कल के दिन समाप्त हो जाएंगी और कल ओवरऑल 85% तक का दिन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का जो शुभ रंग है वो स्लेटी आ रहा है और शुभ अंक 9 नंबर बनकर आ रहा है। उपाय के लिए दारिद्र्य दुख दहनाय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए अत्यधिक श्रेष्ठ रहने वाला है। अगले लग्न की बात करते हैं, मकर लग्न। आज के दिन राजनीति के क्षेत्र में जो प्रयास करने वाले लोग हैं और मकर लगन के, उनके लिए बेहतरीन दिन होने वाला है। शासन से प्रशासन से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में सरकारी योजनाओं में धन का निवेश अगर करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अप्रिय व्यक्तियों से मिलने के कारण आपको अनावश्यक कष्ट का भी सामना कल हो सकता है। संतान की संगति पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। ओवरऑल कहा जाए तो दिन 74% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और कल के लिए जो शुभ रंग आ रहा है वो केसरी आ रहा है और शुभ अंक 8 नंबर आ रहा है। उपाय के लिए बुध का जो बीज मंत्र होता है उसका आपको जाप कर लेना चाहिए। अगले लगन की बात करते हैं, कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा होगा। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए आज कई प्रकार के काम एक साथ आ सकते हैं और यात्रा पर जाते समय कीमती सामानों की सुरक्षा का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। संतान को पुरस्कार मिलने के योग कल दिखाई दे रहे हैं जिससे आप प्रसन्न हो सकते हैं। सायंकाल में मांगलिक उत्सव में आप शामिल हो सकते हैं और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ धन जो रहेगा वो खर्च आप कल के दिन कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन तब भी 89% तक आपके लिए अच्छा है जो शुभ है और कल का जो शुभ रंग आ रहा है वो
पीला नीला का जो मिक्स कलर है वो आ रहा है और साथ में शुभ अंक 5 आ रहा है। दुर्गा कवच का पाठ अगर कल करते हैं तो दिन और भी श्रेष्ठ रहेगा। मीन लगन की बात करते हैं। देखिए आज का दिन आपके लिए हर तरीके से फलदायक होने वाला है। घर और बाहर दोनों ही जगह पर कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला सीख लेंगे और कार्य क्षेत्र में सतर्क रहना पड़ेगा। कठोर शब्दों का सावधानी पूर्वक आपको उपाय सोचना पड़ेगा, समाधान सोचना पड़ेगा। जीवन साथी का आपको कल के दिन सहयोग मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है जिसके कारण चिंतित आप हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 76% तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और कल का जो शुभ रंग आ रहा है पीला कलर आ रहा है, शुभ अंक 3 रंग आ रहा है। उपाय केवल कीजिए, महामृत्युंजय की अगर आप एक माला का जाप करते हैं तो कल आपके लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ये था मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल 1 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।